सो मच तिवारी जी, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी आप सबके सामने मैं बोलूं। और सबसे ज्यादा दिल से थैंक यू सो मच अमित सर, गौरव सर, प्लीज क्लैप योर हैंड। रियलिटी बताऊंगी, सर ने तो बता दिया है, अब मेरी बारी है। अमित सर और गौरव सर मेरी जिंदगी में एक मसीहा बन के आए हैं। जो लाइफ मेरी चल रही थी, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि आने वाले फ्यूचर में क्या होगा, क्योंकि जो मैंने पढ़ाई के दौरान सपने देखे थे शादी के बाद, वो सारे सपने टूट गए। मेरे पापा मम्मी ने मुझे बहुत प्यार से पाला, मैं अकेली थी, बहुत लाडली भी थी, और उन लोगों ने मुझे बीएड और टीईटी एमएड वगैरह सब कुछ कराया था, इसलिए कि आगे चल के हमारी लड़की टीचर बन जाए। और जाहिर सी बात ये है, उनका मेन मोटो ये भी था कि जो हम लड़का ढूंढेंगे वो भी बीएड हो और टीईटी क्वालिफाई हो, ताकि दोनों की लाइन एक हो, हर कोई सोचता है, और यही उनकी सोच थी। उन्होंने सोचा, और इनके घर पे है, किसी ने बताया था कि एक लड़का रुद्रपुर में है, उसे आप देख लो, उसने भी बीएड और टीईटी सीबीएसई जो भी करना था वो कर चुके हैं, और हो सकता है इस सेशन में लग भी जाए। 8 साल पहले की मैं आपको बात बता रही हूँ। तो फिर मम्मी पापा इन्हें देखने आए थे, उन्हें सब कुछ सही लगा और उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। रिश्ते के लिए हाँ किया, एंगेजमेंट भी हो गई, शादी भी होने वाली थी। बीच में लोगों के कमेंट आए कि क्या देखे लड़की को इनके घर में डाल दिया, खाली लड़का बीएड करा हुआ तो है, टीईटी ना जगह है ना जमीन है, कुछ भी नहीं है। तो कोई नहीं चल रहा था, शादी हो गई। शादी होने के बाद मैं जब पैदल जाती थी कॉलेज के लिए, तो मैं जब भी फोर व्हीलर देखती तो मुझे ये लगता था कि शादी के बाद क्या पता हमारे पास भी फोर व्हीलर हो, और जिससे शादी हो वो कहीं घुमाने भी ले जाए। जाहिर सी बात है, हर लोग जिसकी भी इंगेजमेंट हो जाती है शादी के दौरान बातचीत होती है, मेरी भी बातचीत इनसे होती थी। हम लोगों ने प्लानिंग भी की थी कि शादी के बाद हम लोग गोवा जाएंगे, लेकिन ऐसी कंडीशन आई कि ना हम गोवा जा पाए ना नैनीताल जा पाए। और फिर धीरे धीरे कारवा गुजरता गया, और उसके बाद बिटिया ने जन्म लिया और लाइफ में स्ट्रगल आ गए। यहाँ तक कि जो कर्जा था वो दिन ब दिन बढ़ रहा था, बहुत ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब रहता था, सरकारी मेरा भी, और जो कोचिंग सेंटर था उससे बस खर्चे चल पा रहे थे, फ्यूचर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक गौरव सर अमित सर से मुलाकात होती है, उन्होंने हमें इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया। हम सर से मिले, सर ने हमें खाली प्रोडक्ट दिए थे फर्स्ट टाइम, और वो प्रोडक्ट लेने के बाद हम घर पे लेके गए और हमने यूज किए। इत्तेफाक की बात, हमारी सासू माँ थी, उनके दांतों में बहुत प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम डेंटल वाले के पास जाती थी, लेकिन वहाँ से उन्हें रिलीफ नहीं मिला। फिर हमने कहा मम्मी ये टेस्ट है, आप ये करके देखो, तो उन्होंने वन वीक में रिजल्ट आ गया, और उन्होंने मुझसे ये कहा कि ऐसा है प्रीति और सुनील, ये पेस्ट जहाँ से भी लाए हो वहाँ से दोबारा ले आना, क्योंकि इस पेस्ट से मेरे दांतों में बहुत आराम मिला। सच में माय गॉड, उस दिन बहुत खुशी हुई कि हाँ प्रोडक्ट मेरे दांत है, विश्वास किया जा सकता है। फिर सबसे हम दोबारा मिले और उन्होंने हमें बिजनेस बनाया, प्लान बताया, हम लोग करते गए करते गए। ऐसा नहीं है उतार चढ़ाव हर बिजनेस में आते हैं, वो हमारे साथ हुआ था। कई बार तो हमें ये लगा हमसे नहीं हो पाएगा, इसमें कुछ नहीं है, इनकम कुछ आती नहीं है, क्योंकि 6 महीने तक आप ये सोच लो कुछ भी आने वाला नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में आप देखिए हम लोग मोदी के करते गए कारवा आज आपके सामने है। टॉप लेवल है, बहुत अच्छी टीम है, लोग का अचीवर भी है और लाखों रुपए कमा भी रहे हैं। बस मेन उद्देश्य ये है, मेन मोटो ये है कि सर ने बताया है 2N21, ये सबको करवाना है, और आने वाले टाइम में मेरा बस फोकस यही है। सब लेडीज से प्लीज, आप लोग मोदी कर करिए और अपनी पहचान बनाइए, क्योंकि जब पहचान है, यहाँ हम ससुराल में आते हैं, पहले कहते थे ये सुनील की वाइफ है, ठीक है, आप कहते हैं वो प्रीति जा रही है जो मोदी कर में कर रही है, जो भी मेरे कॉन्टेक्ट वाले हैं वो मेरा नाम सुनील नाम से फिर नहीं करते, वो कहते हैं प्रीति मोदी कर। अगर मैं ट्रू कॉलर में आप डाल रहा हूँ तो प्रीति मोदी कर आएगा। इसलिए दोस्तों, आप लोगों ने ये बिजनेस 4 साल पहले किया है, और कारवा आपके सामने है, फॉरेन ट्रिप भी लिए हैं, और आज की जो अर्निंग है 4 लाख+ मोदी कैश से आ रही है, और बस मैं यही चाहती हूँ जो मैं कमा रही हूँ, जो मुझे मान सम्मान मिल रहा है वो आपको भी मिले। थैंक यू सो मच।
थैंक यू।